जबलपुर में यात्रियों की परेशानी, रेलवे ने दानापुर और बेंगलुरु की यात्रा रद्द की। नमस्कार, मैं अंजना द खबरदार न्यूज से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। जबलपुर जिले में यात्रियों की परेशानी और बढ़ रही है, क्योंकि रेलवे ने जबलपुर से दानापुर और बेंगलुरु जाने वाली ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इस घटना के पीछे के कारण रेलवे के अधिकारी द्वारा बताए गए हैं कि दक्षिण मध्य रेलवे क्षेत्र विजयवाड़ा मंडल के बल्लारशाह स्टेशन पर तीसरी लाइन का काम जारी है, जिसके कारण ट्रेनों की आवाजाही बंद की जा रही है। इसके परिणाम स्वरूप गुजरने वाली यात्री गाड़ियों को प्रारंभिक स्थल से ही निरस्त कर दिया गया है। इसे इटारसी, जबलपुर, कटनी और सतना से जुड़ी ट्रेनें रद्द हो जाएंगी। रेलवे के अधिकारी ने इस परिस्थिति को समझाते हुए कहा, तीसरी लाइन के काम की वजह से ट्रेनों की आवाजाही में बाधा आई है। यह कई यात्री और रेलवे प्रशासन के बीच एक विवाद का कारण बन गया है और जबलपुर से दानापुर और बेंगलुरु के बीच यात्रा करने वाले यात्री अब इस मुद्दे के सामने हैं। रेलवे ने गाड़ी संख्या 03251 दानापुर बेंगलुरु एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन को 24-25 सितंबर और 1-2-8-9 अक्टूबर को रद्द कर दिया है, जबकि गाड़ी संख्या 03252 बेंगलुरु दानापुर एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन को 26-27 सितंबर और 3-4-10-11 अक्टूबर को रद्द कर दिया गया है। वहीं गाड़ी संख्या 03259 दानापुर बेंगलुरु एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन को 26 सितंबर और 3 अक्टूबर को रद्द कर दिया गया है, जबकि गाड़ी संख्या 03260 बेंगलुरु दानापुर एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन को 28 सितंबर और 5 अक्टूबर को निरस्त कर दिया गया है। इसके अलावा गाड़ी संख्या 03247 बेंगलुरु दानापुर एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन को 28 सितंबर और 5 अक्टूबर को और गाड़ी संख्या 03248 बेंगलुरु दानापुर एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन को 30 सितंबर और 7 अक्टूबर 2023 को निरस्त कर दिया गया है। रेलवे अधिकारी ने तीसरी लाइन के काम के बारे में बताया कि इसके कारण ट्रेनों की आवाजाही में रुकावटें हो रही हैं, जिसके कारण यह निर्णय लिया गया है कि कुछ ट्रेनें रद्द की जाएं। यह निर्णय जबलपुर के यात्रियों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन गया है, क्योंकि यह उनके यात्रा योजनाओं को पूरी तरह से प्रभावित करेगा। जबलपुर, इटारसी, कटनी और सतना से दानापुर और बेंगलुरु की ओर जाने वाली ट्रेनें अब नहीं चलेंगी और इससे यात्रीगणों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। रेलवे अधिकारी ने तीसरी लाइन के काम के बारे में बताया कि इसके कारण ट्रेनों की आवाजाही में रुकावट हो रही है, जिसके कारण यह निर्णय लिया गया है कि कुछ ट्रेनें रद्द की जाएं। जबलपुर और दानापुर बेंगलुरु के बीच जाने वाली यात्रा को लेकर यात्री गुस्से में हैं और वे इस निर्णय को न्यायालय में चुनौती देने की सोच रहे हैं। उनका कहना है कि रेलवे को उनकी यात्रा की योजनाओं को पूरा करने के लिए उचित विवेकपूर्ण निर्णय लेना चाहिए और उन्हें विशेष आपत्ति का सामना करने की आवश्यकता है। रेलवे के इस निर्णय से प्रभावित होने वाले यात्री अब दूसरे विकल्पों की तलाश कर रहे हैं, जैसे कि अल्टरनेट रूट्स या अन्य ट्रांसपोर्ट सेवाएं, जो उनकी यात्रा को कम से कम प्रभावित करें। इसके बावजूद इस समस्या का निराकरण अब रेलवे और सरकारी अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण हो गया है, ताकि यात्रीगण बिना किसी असुविधा के सुरक्षित और समय पर अपने गंतव्य तक पहुँच सकें। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।